हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओप्पो की जो रेनो सीरीज है वो लॉन्च होने वाली है 2 मार्च 2020 में। और ये जो फोन लॉन्च होगा वो है ओप्पो का रेनो 3 प्रो, और बहुत ही कमाल धमाल फोन होने वाला है। इसका इतना जोर शोर से एडवर्टीजमेंट भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, बाकी लोकल मार्केट में भी बहुत ही जोर शोर से एडवर्टीजमेंट चल रहा है। और इनका जो ऐड कर रहे हैं वो है रणबीर कपूर, इनका ऐड भी कर रहे हैं, तो बहुत ही कमाल का फोन होने वाला है। और इसमें एक यूनिक चीज भी है जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला होने वाला है। तो एक एक करके हम इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो वर्ल्ड का सबसे पहला 44 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल कैमरा में देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही कमाल की पिक्चर देखने को मिलेगी, जो कि सबसे पहला जो मेन कैमरा होगा सेल्फी कैमरा वो होगा 44 मेगापिक्सल का, और साथ में हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं ओप्पो द कैमरा फोन, तो इसकी क्वालिटी क्या हमें देखने को मिलेगी। बहुत ही कमाल का सेल्फी कैमरा में देखने को मिल जाएगा, और साथ में इसके डिस्प्ले वगैरह भी बहुत ही कमाल के देखने मिलेंगे। जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं वो ये है कि 6.4 इंच का ऑलमोस्ट सुपर एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। साथ में 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन दिया हुआ है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा, और साथ में हमें 800 निट्स का ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगा। तो सच में आउटडोर और इंडोर ब्राइटनेस का आपको सेल फोन में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। बहुत ही कमाल का डिस्प्ले होगा हमें देखने मिलेगा, और कलर्स और जो क्रिस्पनेस होगी डिस्प्ले की वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाएगा। फोन में आगे और पीछे की तरफ में दोनों ही तरफ हमें कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि फ्रंट और बैक दोनों ही ग्लास देखने को मिलेगा, तो सच में फील भी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम हमें देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही कमाल का लुक आएगा, फोन को हैंड में होल्ड करते हुए भी बहुत ही कमाल का फील आएगा, प्रीमियम सेट देखने को मिलेगा, और साथ में हमें 90 हर्ट्ज़ का सुपर स्मूथ डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसके डिस्प्ले के बारे में भी बहुत ही खास बात यह है कि 90 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगा, तो एक्सपीरियंस जो होगा वो बहुत ही कमाल धमाल होने वाला है। तो सच में डिस्प्ले के मामले में थम्स अप है। और साथ में हम एंड्रॉयड वगैरह देख लेते, इसमें एंड्रॉयड लेटेस्ट हमें देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड का 10 कलर और 7 के साथ देखने को मिलेगा। बट प्रोसेसर के जो लीक्स निकल के आ रहे हैं वो ये है कि इसमें हमें देखने को मिल जाएगा 765 का प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर हमें देखने को मिल सकता है। तो प्रोसेसर भी बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है, जो कि वेरिएंट जो हमें ये रेनो 3 प्रो का हमें जो वेरिएंट देखने मिलेगा वो है 4G वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशन भी हमें देखने मिलेंगे, और 5G में भी कन्वर्ट करने का कुछ ना कुछ तो हमें इस पे देखने को मिल सकता है। तो होगा ये 4G वेरिएंट, बट हमें और भी ज़्यादा अपग्रेड हमें देखने को मिल जाएंगे। और साथ में अब हम इसके मेन कैमरे की बात कर ले, तो जो क्वाड कैमरे का सेटअप है, सेटअप हमें थोड़ा सा कॉमन लगा जो नॉर्मल फोन्स में आ रहे हैं, बट स्पेसिफिकेशन देख ले तो 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर हमें देखने को मिल जाता है, साथ में 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस देखने को मिलेगा, और साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाएगा। तो 64 मेगापिक्सल से भी पिक्चर बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो कैमरे के बारे में, अभी सेल्फी कैमरा भी वर्ल्ड का सबसे पहला है 44 मेगापिक्सल के साथ में, मेन कैमरा भी हमें देखने को मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल का। तो सच में पिक्चर की जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही कमाल की होगी, स्लो मोशन भी हमें देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारे नाइट मोड अल्ट्रा नाइट मोड देखने को मिल जाएंगे, डे मोड में भी बहुत ही कमाल की पिक्चर हमें शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और साथ में कुछ इसके फिजिकल ओवरव्यू की वगैरह की बात कर ले, तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हमें 3.5 mm जैक इसमें नहीं देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेगा इसमें 3.5 mm जैक। और ये भी सुनने में आ रहा है, जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं, जो SD कार्ड स्लॉट होता है वो स्लॉट भी हमें इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बाकी जो है कन्फर्मेशन 2 मार्च को ही हो पाएगा कि क्या इसमें दिया है क्या नहीं दिया हुआ है। और साथ में हमें 30 वॉट का वो फ्लैश चार्ज 4.0 हमें देखने को मिल जाएगा, साथ में हमें 30 वॉट का वो फ्लैश चार्ज 4.0 में देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपनी कह रही है कि 20 मिनट के अंदर आपका फोन जो है पूरा ही आधा चार्ज कर देगा, जो कि 50% फोन जो है 20 मिनट के अंदर अंदर आपका चार्ज कर देगा। तो ये भी बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है कि आपको 30 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिलने वाला है, तो बहुत ही कमाल का पावर चार्जिंग होगा। और बैटरी की मैं बात करूं तो बैटरी जो होगी 4200 mAh के ऑलमोस्ट बैटरी हमें देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट यही रूमर्स आ रहे हैं कि 4000 mAh की बैटरी हमें इस फोन में देखने को मिलेगी। तो फिंगरप्रिंट वगैरह भी हमें इन डिस्प्ले लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग हमें देखने को मिल जाता है। और बाकी जो है डिस्प्ले का लुक आप देख सकते हैं, बेजल-लेस एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नॉच होता है वो नॉच को हटा के जो है पंच होल लगा दिया है, तो एक्सपीरियंस जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा सीमलेस और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब इसमें वेरिएंट की मैं बात करूँ तो एक वेरिएंट तो लीक निकल के आया कि कंफर्म है 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, जो कि आएगा नियर अबाउट
34-35,000 के आसपास की प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। दूसरा वेरिएंट जो है वो हो सकता है 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा, जो कि नियर अबाउट 40,000 के आसपास में इसकी प्राइसिंग जाएगी। तो बिलो 40,000 के नियर अबाउट रहने वाला है ये ओप्पो का रेनो 3 सीरीज। तो फोन बहुत ही कमाल धमाल है। बाकी आप जो अपना ओपिनियन, अपने थॉट्स, अपने विचार को जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आपने तो चैनल को यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखिएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।